अगर तुम्हें गुब्बारा फटने की आवाज़ आए तो एकदम चुक जाना, डक इमीडिएटली, ओके? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चलो सब ऊपर चलो, चलो क्लास की ओर बढ़ो, चलो चलो। जिन्होंने कुछ महीने पहले खतरनाक हथियारबंद आतंकवादियों से माननीय मंत्री जी की बेटी की जान बचाई थी। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपके और आपके साथियों ने किस तरह आतंकवादियों से लड़कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला? इस बात की ट्रेनिंग अपन को आर्मी में दी जाती है और अब तो ये अब उनके खून में दौड़ता है। लेकिन ये जो आपने किया वो काफी जोखिम भरा काम था, आपकी जान भी जा सकती थी, आपको एक बार भी डर नहीं लगा? आर्मी में हम डर को डराते हैं, अपने दुश्मनों को ही नहीं बल्कि अपनी मुश्किलों पर जीत हासिल करना हमें सिखाया जाता है। कैडेट के रूप में आपके अब तक के अनुभव पर क्या पूरे देशवासियों से कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं सभी नौजवानों को यही कहना चाहूंगी कि आर्मी जैसा अच्छा और नोबल प्रोफेशन कोई है ही नहीं। आर्मी में हमें कठिन से कठिन सिचुएशंस में भी बहादुरी से लड़ना सिखाया जाता है। अगर आपका आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य है तो कैसे उसे अटेन करना है ये भी हमें आर्मी में ही सिखाया जाता है। क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? श्योर, मैसेज सिंपल और साफ है। अगर आप ऑनर और डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं, अगर आप बिना डरे बहादुरी से जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, और अगर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो दिस इज इट। आर्मी ही आपकी मंजिल। ये दो कौड़ी के कैडेट्स हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देंगे। मैं भी बड़ा होकर कैडेट बनूंगा और दुश्मनों से लड़ूंगा। पक्का बनेगा। पूछो ना हमसे है क्या जिंदगी, हमसे हमारी है ये जिंदगी। बोलो मेजर। आपने टीवी देखा सर? हाँ देख रहे हैं मेजर, लेकिन तुम चिंता क्यों करो? बच्चे हैं, फिक्र मत करो, इन्हें राजनीति का पाठ तो हम पढ़ाएंगे। जरूर पढ़ाएंगे मेजर। देख
कर सूरी जी। ओए पुत्र, काम बड़ा कराते हो तुम लोग हैं। सवेरे से 3.25 किलो वजन कम हो गया और पसीने पसीने में अलर्ट से हो गया हूँ। ओहो सूरी जी, अब अच्छे काम के लिए थोड़ा पसीना तो बहाना चाहिए, राइट? माय गॉड, कैसे पुत्र, बात तो तूने बिल्कुल करेक्ट कही है। वैसे ये लोग है कहाँ? ओ हाँ, मैंने उन खोतों को बोल दिया यहाँ पर आने के लिए, आते होंगे यार सुनर तो। ओ पुत्र क्या, ओ यार इसमें कुछ डाला ही डाला तुमने, कब तक तुम्हें समझाता रहूंगा मैं, है खोते ना हो तो। लगता है यहाँ पे कोई पार्टी हो रही है। Of course, मैं अपने बहादुर दोस्तों को एक शानदार वेलकम देना चाहती थी। Come on guys, they deserve a huge round of applause. Come on. हमारे अली साहब नजर नहीं आ रहे। अली को थोड़ी सी चोट लग गई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। वो ठीक तो है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, अली की कमी मैं पूरी कर देती हूँ। गुड यार। हाँ। नैना, आप उनके साथ थोड़ा सा डांस करेगी? पूरा नहीं, पूरा। इतने प्यार से पार्टी दी है। Please do it for her. What's it? All right, ready? Samira. All yours. Go ahead. Yeah. Mom, I'm back. Sorry, I'm so sorry. अबे क्या कर रहा है अभी? बिंदास रहकर डांस करना। डांस कर रहा है, लड़ाई नहीं लड़ रहा है। डांस कर रहे थे। That is so nice of you. Thank you.
इतने टाइम बाद सब लोगों को इतना खुश देख रही हूँ। सबको? हमारे प्यारे मेजर नायर दिखाने थे। मेजर नायर एक नई चाल बनाने में लगे होंगे लाला के साथ। कर लें जो वो करना चाहते हैं, हमसे बच के जाएंगे क्या? लाला और उनका सिंडिकेट इलीगल आर्म्स स्मगल करते हैं। कुछ सबूत मिले थे उनके खिलाफ। फॉलो करते करते हम एक लीड तक पहुंचे। अभी बाड़मेर से आ रहे हैं। बाबू साहब ने वादा किया है वो हमारी मदद करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट डन। बस कुछ ही देर में लाला के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगे। ग्रेट सर। बट लाइक ऑलवेज हमें अपना ख्याल रखना होगा। लाला इज अ स्नेक। लेकिन सर हमें भी तो स्नेक की हर चाल के बारे में पता ही रहता है। वील बी प्रिपेयर्ड, वोंट वी? आई गेस सो। वेल थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए केएमए के लिए जो भी कुछ किया वो हमारे लिए बहुत कुछ है। थैंक्स अ टन, आप हमेशा हमारे सपोर्ट रहेंगे। कम ऑन, केएमए हमारा घर है और अपने घर के लिए तो लड़ना ही होता। मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा यूडी, शानदार पार्टी छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा पर इट्स ऑल राइट मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। इट्स माय प्लेजर मैम। एक और चीज, आपने हमारी बहुत हेल्प की है, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अभी तो शुरुआत है, आज इंटरव्यू देखना मत भूलना। हाँ इट्स ऑन एट 11। देखिए हम आपके किसी फालतू सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछूंगी जिसका जवाब आपके पास ना हो। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक लाइव टेलीकास्ट है और पूरा देश आपको सुन रहा है। हेलो लाला, हम आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं, कुछ सवालों का जवाब चाहिए। हम आपको बाद में। ऐसा करते हैं कि कल हम आपके ऑफिस आ जाते हैं, वहां इत्मीनान से बैठकर बातें होंगी। राजा साहब इस वक्त बिजी हैं, हम आपको बाद में फोन करेंगे। आप तैयार हैं? All right people, let's watch this. लाला के साथ मुकालात। मुलाकात is what I mean, but then you get my point. लगता है साला पहले से जीत का खुशी मना रहे ला। रोलिंग। मंत्री जी, जिन कैडेट्स ने बंधक संकट में बच्चों की जान बचाई उन्हें आज पूरा देश सर आंखों पर बिठा रहा है, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? केएमए पर ताला लगाया जा रहा है और इसे बंद करने के ऑर्डर्स पास किए जा चुके हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि केएमए को बंद करने के ऑर्डर्स पास किए जा चुके हैं। आपको ये नहीं लगता कि आपके इस निर्णय पर जमकर विरोध होगा? विरोध? कैसा विरोध? यही कि जिस अकेडमी के कैडेट्स ने इतनी बहादुरी का कारनामा कर दिखाया, जो आज इस देश के हीरो हैं, उस अकेडमी को बंद करने के ऑर्डर्स खुद आपके मंत्रालय ने पास किए, क्या आपको इस बात से कोई आश्चर्य नहीं होता? मंत्री जी, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। वी आर लाइव मेंबर। फर्स्ट गेस मिस्टर रोम। देखिए मिस्टर रोम, ये पूरा वाक्य एकेडमिक एक्सरसाइज था। सिखाया जा रहा था कि हॉस्टेज सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है, इसलिए इस बात को इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैडेट्स की ट्रेनिंग का हिस्सा था।
आगे देखते हैं क्या बोलता है। अच्छा और मिस रोमा, इस तरह का अभ्यास समय समय पर हर एकेडमी में होता रहता है। मेरी समझ में नहीं आता कि कैडेट्स को अपने इस अभ्यास को लेकर इतना हल्ला गुल्ला मचाने की क्या जरूरत है। और लगता है कि मीडिया के पास भी कोई काम नहीं, खबर हो ना हो कवर करने पहुंच जाए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब एक टैक्टिक एक्सरसाइज थी, ये बंधक संकट जैसे कुछ नहीं था और ये टेररिस्ट तकलीफ। जी हाँ, let me repeat it once again, ये सारा वाक्य एक एकेडमिक एक्सरसाइज था जिसमें उन कैडेट्स को सिखाया जा रहा था कि हॉस्टेज सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि ये केवे को बंद करने की बात को लेकर इतना बड़ा इशू। इस देश में 150 अकेडमीज हैं जिसमें सिर्फ 25 को बंद करने की बात की जा रही है। एंड आई टेल यू व्हाई, कैडेट्स की संख्या में होती लगातार कमी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और इन अकेडमीज को बंद करने से जो फंड्स बचेंगे उसे आर्मी के लिए अत्याधुनिक हथियार खरीदने और साइंटिफिक रिसर्च में पैसा लगाने का विचार किया जाए, और कुछ फंड्स का इस्तेमाल देशवासियों की वेलफेयर के लिए भी किया जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.